एंजाइम स्पेसिफिसिटी आज की बायोकेमिस्ट्री की वीडियो का टॉपिक है। सत्य नारायण से हम एंजाइम्स का डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो वर्ड है स्पेसिफिसिटी, इसका बेसिकली आई मीन दिस इज अ इजी इंग्लिश वर्ड टू अंडरस्टैंड लिटरली, कि स्पेसिफिसिटी वुड मीन कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। सो इट्स नॉट लाइक अ जनरल कैटलिस्ट विच इज़ यूज। यानी आपको याद है, आप अपनी हाई स्कूल केमिस्ट्रीज में इस तरह के रिएक्शन पढ़ते थे कि दे इज़ अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें कोई मार्बल चिप्स डाले हुए, कोई एसिड डाल दिया, एंड टू स्पीड अप द रिएक्शन आप इसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट डालते थे ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। वो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते थे, यूजुअली दे आर वेरी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन ये एंजाइम्स, बिकॉज दे आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब ये पूरा चैप्टर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, आपको ये सारा आइडिया हो चुका है कि एंजाइम्स किस तरह काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो बिकॉज दे आर प्रोटीन, दे वर्क ऑन सेल्स और रिसेप्टर्स पर एक्शन करते हैं। सो सपोज इफ दिस इज एन एंजाइम हियर और इसको इस सेल पे काम करना है, तो इट विल गो एंड बाइंड टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन दिस पर्टिकुलर सेल। तो दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्पेसिफिक। अगर रिसेप्टर की शेप कुछ और होगी, सो दिस एंजाइम इज नॉट स्पेसिफिक टू बाइंड टू दिस पर्टिकुलर रिसेप्टर, जिसकी शेप इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आसान जबान में इसको हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के तौर पे की एंड लॉक मॉडल भी तसव्वुर कर सकते हैं कि सपोज देयर इज अ लॉक, एंड ऐसा नहीं है कि लॉक हर की से खुल जाए, देयर इज अ स्पेसिफिक की फॉर डिफरेंट लॉक्स। इसी तरह एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन व्हेन कंपेयर टू रूटीन अदर कैटलिस्ट दैट वी यूज। द अकरेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, नाउ इमेजिन योर बॉडी हैव literally hundreds and thousands of enzymes available within the body, might be due to the specific nature of the enzyme, but it doesn't matter. So itne sare enzymes maujood zarur hai body mein, lekin koi haphazard action nahi hota. Ye nahi hoga ki lipases amylases ka kaam shuru kar de, is tarah nahi hai, because they are very specific in nature. Okay, three types of enzyme specificity are well recognized, aur ye bhi hum discuss karenge obviously: stereo specificity, reaction specificity, and substrate, and all these three are very important for you to understand. So let's talk about them one by one. The first one is stereo specificity. It is also known as optical specificity, and stereoisomers are the compounds which have the same molecular formula but differ in their structural configuration. So just try to understand ki ye word stereoisomer ka matlab kya hai. They will have the same molecular formula, yani अगर आप ऐसे देखें तो C6H12O6 और दूसरा मॉलिक्यूल भी C6H12O6, तो apparently they both look exactly similar type of molecules, you know. But अगर इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, सो इफ दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, बट दी यू नो स्ट्रक्चरल कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कि दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स टू ईच अदर। नाउ एंजाइम्स एक्ट ओनली ऑन वन आइसोमर एंड देयरफॉर एग्जिबिट स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि सपोज मेरे पास ये दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जो स्टीरियोटिपिकली स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग अलग हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है। अब जो एंजाइम है वो आइडेंटिफाई कर सकता है इनकी ओरिएंटेशन को। सो अगर मेरा दिस इज डी ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल, सो माई एंजाइम विल स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई दिस, एंड वो एंजाइम जिसने इस पर काम करना वो इसी पर काम करेगा, वो मिस्टेक से जाके एल ग्लूकोज पे काम नहीं करेगा। सो एंजाइम्स कैन एक्ट ओनली ऑन वन आइसोमर, सो दे आर स्पेसिफिक टू द आइसोमर, दे आर नॉट जनरल के हर एक जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल्स में जाके एक्शन करें। ओके, एग्जाम्पल्स आर एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। सो से फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अमीनो एसिड हियर एंड आई हैव एन अमीनो एसिड हियर, एंड बोथ दीज अमीनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन वन ऑफ देम इज लेवर रोटेटरी एंड द अदर वन ऑफ देम इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो बिकॉज दे हैव सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स। सो वो ऑक्सीडेज जो एल अमीनो एसिड पे काम करेगा, दैट ऑक्सीडेज विल नॉट वर्क ऑन डी अमीनो एसिड। सो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंड डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज आर स्पेसिफिक टू देयर काउंटर पार्ट्स। ओके, हेक्सोकाइनेज एक्ट ऑन डी हेक्सोज, ग्लूकोकाइनेज ऑन डी ग्लूकोज, वेरी स्पेसिफिक, एंड अमाइलेज एक्ट्स ऑन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, सेलुलेज ऑन बीटा ग्लाइकोसाइडिक। सो यू नाउ गेट द आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ऑल्दो द टू मॉलिक्यूल्स आर लुकिंग वेरी मच सिमिलर
as far as the formula is concerned, but since their structure is different, enzymes can recognize it ki mujhe kis pe kaam karna hai. Okay, right. That's a diagrammatic representation. Okay, specific. Well, that's actually a complicated diagram. The concept we just had was enough to understand what we had to. Stereospecificity is explained by considering three distinct regions of the substrate molecule specifically binding with three complementary regions of the surface of the enzyme. So this is the figure now that they are trying to explain. Okay, this is the enzyme, and the enzyme has different pockets for binding of the this enzyme has different pockets of binding. So, sabki shape alag alag hai, and it will be specifically. So, this round shape is going to be complementary to this round shape. This rectangle square shape is going to be complementary to this, and this is going to be complementary to this. So, this, for example, is not going to bind to this, or this is not going to bind to this. So, they are very, very specific. Okay. The class of enzymes belonging to isomerases do not exhibit stereospecificity since they are specialized in interconversion of isomers. So isomerases is an exception to this. Wo main usne ek movie dekh raha tha, Kota Factory. Usme Jeetu sir, remember that character? I mean, amazing guy. And chemistry ke Butla sir. So chemistry ka to har sir hi unka inorganic ka ek baat bar bar kar raha tha. Ke inorganic chemistry mein, one thing which you have to remember all the time is exception. So वो लड़का काफी वैभव परेशान भी होता है कि यार हर चीज में exception है, साला एक rule याद करो तो फिर exception आ जाती है, फिर exception आ जाती है. So यहाँ भी exception आपको याद रखनी है कि enzymes are usually stereospecific apart from exception क्या है isomerases की. Now reaction, तो मैं आपको ये बता रहा था कि enzymes की जो specificities हैं उसके तीन categories हैं. पहले हमने discuss कर ली stereospecificity, अब दूसरी बात करते हैं. So reaction specificity, the same substrate can undergo different types of reactions, each catalyzed by a separate enzyme, and this is referred to as reaction specificity. So an amino acid, for example, can undergo transamination. So agar ye amino acid hai aur isko transamination karwana hai, so transamination karwane wala enzyme hi ye kaam karwa sakta hai. Lekin agar isi amino acid ko oxidative deamination honi hai iski, to uske liye different enzyme hoga. So a similar substrate yahi transamination mein bhi part le raha hai, yahi oxidative deamination mein, decarboxylation mein, racemization, different reactions karega na ye amino acid. Har reaction ki alag enzyme hoga. This is called reaction specificity. Simple. Okay. The next type of specificity, number three, is substrate specificity. The substrate specificity varies from enzyme to enzyme. It may be either due to relative or broad or absolute type of specificity. So let's go through them. The first one, absolute substrate specificity, which means that certain enzymes act only on one substrate aur kisi pe kaam hi nahi karenge. So that is called absolute substrate specificity. Okay, iski example dekhen, glucokinase acts on glucose to give glucose 6-phosphate. That's 100% specific. It will never ever act on anything else. So this is called absolute substrate specificity. And urease is another example, which will cleave urea into ammonia. Then the second type of substrate specificity is relative. Some enzymes act on structurally related substances. This is in turn may be dependent on the specific group. And iski example dekh lijiye. Trypsin, for example, hydrolyzes peptide linkages involving arginine and lysine, and there is a chymotrypsin variant which cleaves the peptide bond. So they will be working on different substrates, but which will be related to each other. Examples of bond specificity, glycosidases act on glycosidic bonds wherever they are present. So the idea is ke pehli type ki jo specificity thi enzyme ki, that was because of the structure of the molecule ya substrate jis par enzyme act kar raha hai. Second category was the reaction specificity. Jo reaction hona hai wohi enzyme wo reaction karwa sakta hai, yani ye nahi hoga ke transaminases oxidation karwa dein, transaminases transamination hi karwayenge. Aur teesri specificity thi substrate, isme agar ek enzyme sirf ek hi substrate pe bind kar raha hai, that is called absolute substrate specificity. Agar wo related molecules pe ek se zyada pe bind kar sakta hai, that's relative substrate specificity. And then there is a broad specificity. Some enzymes act on closely related substances, which is commonly known as broad substrate specificity, such as hexokinase. Hexokinase, it's a broad enzyme jo glucose pe bhi act karega, fructose pe bhi karega, mannose pe bhi karega, glucose amine. So see iski substrate range kitni badi hai. Isko aap compare kare na glucokinase ke saath. Glucokinase sirf aur sirf glucose ke saath bind karta.
So it's very absolute specificity, and this is broad specificity. Okay, so these are the concepts associated with enzyme specificity. Next video mein aap se baat hogi agle kisi enzyme ke topic ko lekar. Tab tak ke liye apna khayal rakhiyega.